लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाताओं की भागीदारी तय बनाने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने एक और अनूठी पहल की है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से संपर्क के लिए सप्रेम अभियान छेड़ा है। स्वीप गतिविधियों के तहत चलाए जाने वाले सप्रेम यानी संपर्क प्रत्येक मतदाता अभियान में जिला के प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क साधकर उन्हें मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋत्वेक ठाकुर ने मंडी के सेरी मंच से इस जिला व्यापी अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सप्रेम प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्कूली बच्चों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की मतदाता जागरूकता रैली में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मतदान को लेकर जागरूकता शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सबकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इस मौके पर अपने संबोधन में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं का जागरूक होना एवं निर्वाचन प्रक्रिया में सबकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्रशासन मतदाताओं को उनके मताधिकार के महत्व एवं सही प्रयोग को लेकर जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने जिला वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव देश का महापर्व है। मंडी जिला के सभी लोग अन्य त्योहारों की तरह इस महात्योहार में भी भागीदारी में सबसे आगे रहें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सक्रियता से जोड़ने के लिए सहूलियतें एवं सुविधाजनक माहौल प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन का 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के नए मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने पर खास ध्यान है। सप्रेम अभियान के तहत प्रशासन की टीम किन्हीं कारणों से पंजीकरण से छूट गए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करेगी। इसके साथ ही दिव्यांगों एवं बुजुर्गों को वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों में आने जाने के लिए प्रशासन की ओर से सहायता उपलब्ध करवाने की मांग एवं आवश्यकता का भी पता लगाया जाएगा ताकि उनके लिए समय रहते समुचित प्रबंध किए जा सकें और वे सुगमता से वोट डाल सकें। चाहे वो होली का त्योहार हो, वहाँ पर लोग अपने घर से निकलकर यहाँ से भी मंच पर आते हैं, अपने साथियों के साथ बाकी लोगों के साथ ये त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसी तरीके से जो शिवरात्रि महोत्सव है उसमें मंदिर जाने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। गुरुनाथ जी के यहां पर पूजा करते हैं और त्योहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अलग अलग समुदाय के अलग अलग त्योहार जब मनाते हैं तो उस त्योहारों में लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोग उस दिन निकलकर उस त्योहार में अपनी भागीदारी एक परंपरा के रूप में उसको निभाने के लिए बाहर निकलते हैं। ये जो हमारा त्योहार चुनाव का त्योहार है, इस त्योहार में भी देश का हर नागरिक उसका दायित्व बनता है कि वो इसमें बाहर निकले। और अगर हम मंडी की बात करें तो बाहर निकलने की तारीख हमारी 19 मई है। जिस दिन जिस प्रकार से हम बाकी हमारे त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार से इस त्योहार में भी लोग अपने घर से निकले। जिस तरह बाकी त्योहारों में चाहे वो रंग लगाने के लिए सही मंच पे आएंगे चाहे मंदिर जाएंगे, उसी तरीके से 19 मई को हर व्यक्ति को घर से निकल के अपने बूथ में जाना है, अपना मताधिकार का प्रयोग करना है और गर्व के साथ अपने उंगली पर निशान लगाकर बाहर आना है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो के सहयोग से सांस्कृतिक दलों ने लघु नाटिका एवं गीत संगीत से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा,
उपमंडलाधिकारी सदर सन्नी शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग व स्कूली बच्चे, युवा केंद्रों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।